अहम तहलका न्यूज। हिसार में जल्द ही नौगांव के तालाब की तस्वीर बदलने वाली है। तालाबों के पानी की क्षमता में बढ़ोतरी की जाएगी और इसी के साथ तालाब में आने वाले पानी को शुद्ध करवाया जाएगा। ग्रीन बेल्ट, पगडंडी और नाले के निर्माण सहित अनेक कार्य संपन्न करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि अमृत सरोवर मिशन के तहत नौगांव में तालाबों के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ हो चुका है। विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने तालाब के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया और इसके लिए तकरीबन 1,06,00,000 की धनराशि खर्च की जाएगी। आज हरियाणा सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश भर के अंदर जो जोड़ का सौंदर्यकरण किया जा रहा है और उसी के तहत आज मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे अपने हलके के अंदर भी दो जगह गांव गंगवा के अंदर जहां हम खड़े हैं और मंगाड़ी के अंदर भी ये सौंदर्यकरण किया जा रहा है और सरकार की ये योजना है कि हम जो जोड़ के अंदर जो गंदा पानी आता है उसको भी उसका भी एक तरीके से ट्रीटमेंट करके उसका साफ करके और जोड़ के ऊपर चारों तरफ पगडंडी बना करके वहाँ पेड़ पौधे लगा करके ताकि बहुत ही सुंदर ये गांव के बीच के अंदर ये जोड़ जिस जोड़ को हमें जो अब हम गंगवा के अंदर खड़े हैं इसको गंदे पानी के जोड़ के नाम से ये जाना जाता था और बार बार बदबू आती थी। अब ये चारों तरफ इसमें लगभग जैसे विभाग की तरफ से अभी बताया गया है कि 101,00,000 रुपए का इस पे जो है वो खर्चा आएगा जिससे पगडंडी भी बनेगी, पेड़ पौधे लगेंगे और इसका सौंदर्यकरण भी होगा और पानी है उसका रिसाइकल करके उसका यूज भी जो है वो पशुओं के लिए, खेती के लिए जो है हो सकेगा। एक बहुत ही शानदार सुंदर व्यवस्था सरकार की तरफ से ये योजना है। इसके लिए मैं भारत सरकार का भी और हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सामुदायिक केंद्र के निर्माण, डी प्लान के तहत HC चौपाल का निर्माण, गलियों एवं नालियों के निर्माण, महाग्राम योजना के तहत सीवरेज एवं पेयजल व्यवस्था का समुचित प्रबंध करने का आश्वासन दे दिया गया है। यहां पर एक सुंदर जोहड़ बनाया जाएगा, चारों तरफ पौधारोपण भी किया जाएगा। प्रथम तहलका के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट।